Tyrin-90 mg टैबलेट, इसे एमएसएन लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 10 टैबलेट का कॉस्ट 285 रुपीज है। तो इसे कब डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं या कब आपको लेना चाहिए? अगर आप खुद से लेते हैं, अगर ज़्यादा लेते हैं तो हो सकता है साइड इफेक्ट देखने को आ सकता है। तो कैसे आपको इसका डोज लेना चाहिए, कितना दिन लेना चाहिए, किस तरह की समस्या में लेना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको हिंदी में शेयर करने वाला हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और जैसे कि और भी आप अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्यूचर में बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। Tyrin-90 mg टैबलेट के अंदर जो मॉलिक्यूल है, टाइकाग्रेलोर 90 mg है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल। इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपको जो ब्लड क्लोटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लोटिंग होने की वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें आपका जो ब्लड फ्लो रहता है आपके पूरे बॉडी में प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता है ब्लड क्लोटिंग की वजह से, जो कि ब्लॉकेज होता है, तो जिसकी वजह से आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी को यह कम करने में हेल्प करता है, यह ब्लड थिनर के रूप में वर्क करता है और जो कि एंटीप्लेटलेट्स के रूप में वर्क करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड के वेसल्स में रहते हैं उसके अंदर जो ब्लड्स को एक साथ में स्टिकी नहीं होने देता, ब्लड का जो प्लेट्स रहते हैं उसे एक साथ में स्टिक नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो वह थिनर बना रहता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग की जो मात्रा रहती है वह बहुत कम हो जाती है। तो आपका हार्ट अटैक या फ्यूचर में जैसे कि स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं जब आपका जो प्लेटलेट बहुत जल्दी क्लोटिंग होता है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं जैसे कि एंटी प्लेटलेट के रूप में, यानी कि आपको ब्लड थिनर के रूप में, तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें। यह वीडियो एक एजुकेशन और नॉलेज पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर आप खुद से लेंगे तो हो सकता है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसका जो डोज रहता है वह लगभग वंस डेली डोज रहता है। बहुत ज़्यादा आपका सीरियस मैटर है तो उस समय डॉक्टर ट्वाइस डेली आपको देते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है, कभी कभी आपको वंस टाइम में ही ठीक हो जाता है और कभी कभी आपको रुक रुक के लेना पड़ता है। जैसे कि आपने एक हफ्ते लिया है तो एक हफ्ता बंद रहेगा, फिर एक हफ्ते आपको लेंगे, ऐसे करके आपको काफ़ी लंबे समय तक भी चल सकता है। या जैसे कि रेगुलर आपको 1 टैबलेट लेने के लिए भी डॉक्टर बोल सकते हैं, जिस तरह से आपकी समस्या है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। अगर आप खुद से लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे नोज ब्लीडिंग हो सकती है, रेनल ब्लीडिंग हो सकती है, या जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। तो सारे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं अगर आप खुद से लेते हैं। तो इस टैबलेट को आपको चबाना नहीं है, डायरेक्ट पानी के साथ में निगलना है, क्रश नहीं करना है। तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं ताकि मैं और भी आपको अपडेटेड रखूँ ऐसे ही नए नए मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, तो बेल आइकन दबाना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो एक सिंगल सा बटन क्लिक करने में 2 सेकंड जाता है तो उसे ना भूले, ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपका डाउट है रिलेटेड आप डायरेक्ट वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं या जैसे कि मुझे मेल कर सकते हैं, जो मेल प्रोफाइल आईडी में दिया गया है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।